चित्रकूट में स्टाफ नर्स पद के लिए 80 लोगों का चयन होना था। आरोप है कि स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं दी गई और ज़्यादातर लोगों का चयन बाहर के ज़िलों से हुआ है। लोगों का कहना है कि चयन में हेराफेरी की गई है, मेरिट और अनुभव को महत्व नहीं दिया गया। अर्जीकर्ताओं ने हाई कोर्ट तक जाने की बात कही है। जिले की CMO अनीता ने कैमरे पर जानकारी देने से मना कर दिया। आपने जो भी स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा था तो क्या हुआ था वहाँ पर? नहीं हुआ। किस तरह का इंटरव्यू लिया गया? इंटरव्यू में पक्षपात किया गया। जो उन्हें डिलीवरी से संबंधित पूछना चाहिए था वो उन्होंने नहीं पूछा, और बहुत लोगों से जिनका पैसा जमा था ये पूछा गया कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, ऐसे सवाल पूछते हैं क्या? इंटरव्यू में कुछ नहीं, गए तो साइन कराया और साइन कराने के बाद गए तो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन तो उनका की डिलीवरी आप करा लेती हैं कि नहीं, हमने कहा ठीक करा लेते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, रोक दिया। और राहुल वर्मा सर थे, उन्होंने पूछा था कि बच्चा पैदा होता तो उसका वजन कितना होता है, फिर उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, दूसरे ने पूछा, फिर तीसरे ने पूछा, फिर मैं सोची कि पहले किसका आंसर, इन लोगों ने पूछा, तब तक चलते खड़े थे तो वो बोले कि आपने खाना खाया कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं, तो हंस के सब लोग बोले कि ठीक है जाइए आप। आपकी कितनी है मेरिट? मेरी है 73.33। तो इसमें कुछ बताया था कि कितने मेरिट वालों को भर्ती होगी? कहाँ बताया है, खाली जब फॉर्म निकले हैं, वैकेंसी निकली है तो यही आया है कि जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, जो कि यहाँ से हुआ ही नहीं है। 94% इन लोगों ने, 96% इन लोगों ने बाहरी लोगों को लिया है, 4% यहाँ लिया है, तो कहाँ यहाँ से मिले, इन लोगों की सेटिंग ही बाहर से थी। तो आप यहाँ से किसने भरा था? मेरी लड़की। क्या हुआ था यहाँ पे इंटरव्यू में? सब घुसखोरी चली, बाहर ज्यादातर बाहर के, यहाँ के 3-4 लोग हैं बस, बाकी बबेरू बाता। तो जो लोग आए हैं, जिनका निकल के आए हैं, तो उनकी मैरिट कितनी है? नहीं अपने इनकी मैरिट नहीं, उसमें मैरिट लिखी ही नहीं है। नहीं, हम यही तो जानना चाहते हैं कि सबकी मैरिट दिखाई जाए ना हमें। और अगर एक ठो नियुक्ति कार्य से हुई हो बगैर पैसे के, तब मैं जो है इस बात को दावा छोड़ दूंगा। क्या नियम था चयन? कोई नियम नहीं था इनके चयन का, केवल पैसे से नियुक्ति हुई। पैसा लेकर के लोगों ने किया भर्ती, खोले हम पैसा लिया CMO ने। कितना पैसा लिया? अब क्या पता, पैसा लिया, काफी पैसा लिया। तो किस उस पे कह सकती हैं, आधार पे किसी ने बताया कि पैसा लिया? हाँ, कई लोगों ने बताया, जिसका हुआ उसने बताया मुझे पैसा लिया। लड़की तो हमारी रीजेंसी में थी, रीजेंसी उत्तर प्रदेश का टॉप हॉस्पिटल है। कर्मी से तो मेरी जानकारी में एक ही लड़की की हुई। स्टाफ नर्स की भर्ती का इंटरव्यू हुआ था, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? उसके बारे में जो रिपोर्ट हमें लोगों ने दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सदस्यों ने, तो वहाँ धांधली हुई है। एक तो बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी गई है CMO के द्वारा, उनकी शिकायत है। यहाँ लोकल के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए इस भर्ती में। 40 नर्सों की भर्ती थी, और भी भर्तियां हैं, उसमें पैसों का भी आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत पैसे लिए गए, लाखों रुपए में लेन देन किया गया, उसके आधार पर भर्तियां की गई। किसी को पूछा गया खाना क्या खाया है, घर में कौन रहता है, आपका बिजनेस क्या है, ये कोई लेबल है क्या इसका, नर्स का? इंटरव्यू के कोई सवाल नहीं थे? इंटरव्यू का क्या सवाल, इंटरव्यू का नर्स का सवाल होना चाहिए, इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, बॉटल कैसे लगाया जाता है, सिरिंज को क्या बोलते हैं। हर बार तो डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे पहले बाहर, उनकी मैरिट मिलाई जाती थी, नंबर हाई स्कूल इंटर के और जो GNM का हम लोग किए उसका, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ है। किसी का 60% है तो उसको ले लिया, 70% है, 75% है, उनको नहीं लिया, तो वो नहीं समझ में आ रहा है कि किस आधार पे इन्होंने किया है। अभी इस पे RTI पे भी लोग मांग रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। CMO साहब क्या जवाब देंगी, ये आप लोगों के सामने, सब लोगों के सामने आएगा। एक साल 2 साल में पूरा है एजुकेशन लोन देकर के इनको कराया, अब वो बैंक वाले कह रहे हैं कि पैसा जमा करिए, जब नौकरी नहीं लग रही है तो कहाँ से जमा कर दूंगी, किसी तरह दुकान चला कर भरण पोषण होता है, इस बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है। हम इस आश्रय में थे कि हमारी उनकी वाइफ की जॉब लग जाएगी, कम से कम बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा तो ठीक से होने लगेगी। जबकि पूर्व में विज्ञप्ति जो प्रकाशित की जाया करती थी, तो वो विज्ञप्ति में ये दर्शाया जाता था कि जिले के लोगों को वरीयता दी जाएगी। मेरा तो अनुरोध यही है कि पहले जिला के लोगों को लिया जाए, जब जिले के लोग नहीं है
तब की कंडीशन में आप दूसरे लोगों को लीजिए। पहला प्रयास जिले को वरीयता दीजिए। हमने प्रयास किया, हमारी पत्नी समूह साहब के पास गई थी परंतु वो नहीं मिली। इसके पश्चात ये डीएम साहब के पास भी गई परंतु उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ठीक है एप्लीकेशन दे दीजिए हम देख लेंगे। अगर इसमें कहीं पर धांधली या कुछ आता है हमारे सामने, हम अपने स्तर से पार्टी लेवल से चेक करेंगे, कहीं पर कुछ आता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेगी, पार्टी लेगी।